Hey guys, this is Ujjal Kumar Sen and you're watching Ujjal Kumar Sen YouTube channel. So guys, if you wanted to watch this video in English, the link is in the description. You can watch this video in English also. But Hindi mein jankari ke liye, continue kariye. To chaliye shuru karte hain. So civil versus EEE, right? आप लोगों ने पूछे थे कोई मेरे को और मैं इस पर वीडियो बना के ले आया और इस पर और एक वीडियो बनाऊंगा इसके आगे मैं बता दूंगा उसके बारे में टेक्सटाइल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा बिकॉज वो भी बहुत काफ़ी बार आप लोगों ने पूछ चुके हैं बट आज इसके बारे में हम बात करेंगे सिविल वर्सेज EEE के बारे में हम बात करेंगे EEE मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओके तो देखिए ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं मैं बात करूँगा ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो दोनों कर सकते हैं और हम बात करेंगे लास्ट में हायर स्टडीज़ के बारे में कितना सैलरी मिलता है उसके बारे में बात करूंगा मैं बिकॉज मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर हमें बाकी सब छोड़ो आसान है और सैलरी कितना मिलेगा तो बताओ तो अगर मान लो डिफरेंस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिफिकल्टी दोनों लगभग अपने आप में ठीक हैं उसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा दोनों का डायमेंशन अलग है डायरेक्शन अलग है राइट हाँ लेकिन दोनों क्या कहाँ काम आते हैं इंसान के काम आते हैं चलो हम आगे बढ़ेंगे सब अगर आप बात करते हैं एसएससी जेई का तो भाई साहब किसी भी ब्रांच से कंपेरिजन करो इसका तो वैकेंसी है ही नहीं इसमें EEE का इलेक्ट्रिकल का है तो भाई साहब सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है एसएससी जेई में पहला बिग एडवांटेज सिविल का गवर्नमेंट जॉब में अगर इंटरेस्ट आपका है सैलरी कितना मिलता है एसएससी जेई में 45 के आसपास सैलरी मिलता है स्टार्टिंग राइट आगे जब वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं फिलहाल 45 के आसपास है नेक्स्ट यूपीएससी ईएससी का सबसे ज्यादा वैकेंसी किसका रहता है सिविल का रहता है सदियों पुराना कहानी है चलता आ रहा है और खास बात क्या है इन दोनों का वैकेंसी आपको हर साल मिलेगा आफ्टर गेटिंग जॉब सैलरी कितना मिलेगा 65 to 70,000 नेक्स्ट स्टेट जेई का या फिर एई का इसका वैकेंसी वेरी करता है कोई फिक्स नहीं है और वैकेंसी कब निकलता है कोई फिक्स नहीं है लेकिन इस बार एक एग्जाम्पल मेरे को मिला है काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे यूपी में निकला है एई का वैकेंसी उसमें 1600 के आसपास क्या है सिविल का वैकेंसी है तो इसलिए यहाँ पर क्या है सिविल आगे निकल जाता है कुछ लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में निकल इसमें इलेक्ट्रिकल वैकेंसी होता है जैसे राजस्थान का निकला है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल वैकेंसी है लेकिन कुछ जगह पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी जहाँ निकलता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को अलाउ करा जाता है कुछ जगह पर अलाउ नहीं किया जाता है तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम है हर जगह अलाउ नहीं करते हर जगह अलाउ नहीं है और हर कुछ जगह अलाउ भी है राइट ये चीज़ें हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा अच्छा अब गाइस देखो बात करेंगे हम आरआरबी की हम बात करते हैं आरआरबी में दोनों साइड एग्ज़ाम होते हैं आरआरबी मतलब क्या रेलवे में जॉब लगना टेक्निकल में भी और नॉन टेक में भी है दोनों क्या कर सकते हैं वैकेंसी का फिल मतलब अप्लाई कर सकते हैं नॉन टेक में तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं टेक में भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप पूछेंगे वैकेंसीज बताओ आपका जेई का निकलता है या फिर एसएसई का निकलता है आरआरबी में भाई वैकेंसीज सेम नहीं होते ना हर साल निकलते हैं ये वेरी करता है राइट ये हो गया लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट एसएससी सीजीएल दोनों अप्लाई कर सकते हैं स्टेट पीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं आईपीएस दोनों अप्लाई कर सकते हैं पीएसयू दोनों अप्लाई कर सकते हैं पीएसयू में हम डिस्कस करेंगे और आगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हो जैसे डीआरडीओ हो गया इसरो हो गया बार्क हो गया राइट ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें भाई साहब आप दोनों का रिक्वायरमेंट है राइट वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ होता नहीं है बट दोनों का रिक्वायरमेंट फिर भी है नेक्स्ट पीएसयूज की बात करूँगा मैं देखिए पीएसयूज में एक बात देखा जैसे कुछ जगह पर देखा बाकी एग्जाम्स में इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता है राइट कुछ पीएसयूज में ऐसा है कुछ पीएसयूज में बोला गया है ऐसा कि इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं मतलब आपके पास एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की जगह पर अप्लाई कर सकते हो सिविल का लेकिन खुद का उमदा अपना खुद का ब्रांच है उसमें तो अप्लाई कर पाएंगे आप ये चीज़ समझ में आता है आपको पीएसयू में जॉब कैसे मिलेगा और सैलरी कितना होता है देखो हर पीएसयू का अलग अलग सैलरी होता है डिपेंड ऑन पीएसयू का स्टडी क्या है मतलब स्टेटस क्या है महारत्न है नवरत्न है मिनरत्न है उसके हिसाब से पीएसयू में सैलरी होता है 7 लाख से लेके 21 लाख तक पैकेज रहता है लगभग 6-7 लाख से स्टार्टिंग पैकेज से 21 लाख का पैकेज मतलब 21 लाख का सीटीसी एक साल का किस में मिलता है ओएनजीसी में मिलता है पावर ग्रिड में मिलता है 21 लाख के आसपास का सीटीसी किसको मिलता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग को मिलता है इसको याद रखना
अलग अलग पोस्ट उसमें होते हैं भाई, आईटी भी जॉब करता है उसमें, डिप्लोमा वाला भी जॉब करता है और कोई पोस्ट वाले जॉब करता है, क्लर्क भी वहाँ पर जॉब करते हैं, बीकॉम वाले भी जॉब करते होंगे, हर तरह का बंदे चाहिए ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर रहा, आई होप यू आर गेटिंग राइट। तो पीएस में जॉब लेने का आपके पास दो तरीका होता है, एक तो होता है उनका खुद का एग्जाम डायरेक्ट, जैसे अब की बार जो अब जो वीडियो को बना रहा हूँ एग्जाम हो चुके हैं किसका, कोल इंडिया एग्जाम हो चुका है, होने वाला है किसका, वाइजाक का, एनएलसी का, आरसीएफएल का एग्जाम होने वाला है राइट। अच्छा, और एक क्या होता है भाई साहब, गेट के जरिए। ये भाई साहब बड़ा कमाल का एग्जाम है, आपको शायद सुना पता है नहीं पता है, बट ये ऐसा एग्जाम है जो आपको जॉब भी दिला सकती है और प्लस आप ना टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले सकते हो लाइक आईआईटीज में, एनआईटीज में। और इसका कोई मेंस और एडवांस नहीं होता है, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस के होते हैं और इसमें अब तो ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं। पहले हमारे टाइम में भाई साहब 70 नंबर आ गया, टॉपर बन गया 100 में से, अब लेकिन आए थे नंबर, अब अलग कहानी है राइट। तो गेट के जरिए आप पी एस में जा सकते हैं राइट, और आप आई आई टी में एडमिशन ले सकते हैं, गेट में अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे रैंक मतलब कि अंडर अगर 300 रैंक लाते हो तो आप लगभग किसी भी जगह जा सकते हो राइट ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, डायरेक्ट भाई साहब कैसे होता है, डायरेक्ट में दो तरह के होते हैं, एक बार एग्जाम होगा आपका राइट, और प्लस क्या होगा, इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट में ऐसे होता है। गेट के थ्रू से क्या होता है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसमें कुछ राउंड्स होते हैं, डिपेंड करता है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है राइट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर क्या इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है? हाँ देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपका इंग्लिश अगर पुअर है, आपके पास टाइम होगा इम्प्रूव करना, फालतू चीज के पीछे मत पढ़ना, जिन चीन के पीछे पढ़ते हो या पढ़ोगे आगे जाके, अगर आप मेहनत करेंगे कुछ अचीवमेंट कर लेंगे वही चीज आपके पीछे पड़ेंगे, वो सारे आपके पीछे हो जाएंगे राइट। इसे मान लो कि आप मान लो फेसबुक अकाउंट बनाते हैं आप, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, कोई फॉलो नहीं करता, कोई देखता नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, लेकिन आप अगर कुछ अचीवमेंट कर लोगे लाइफ में, ये ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अचीव तो करो कुछ, लोग बैठे हैं आपको देखने के लिए, जस्ट अचीव समथिंग, पीपल आर देयर मेट टू वॉच यू, टू लिसन टू यू, टू फॉलो यू ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक। आप कुछ तो करो तो सही, करने का आपके पास टाइम फिलहाल है, तो आप करेंगे तभी लोग फॉलो करेंगे राइट। तो करना आपको है, आप समझ पा रहे हो ना राइट। तो हर चीज में राइट। और एक बहुत से प्रॉब्लम क्या होता है भाई साहब, प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ना, बड़ा खतरनाक चीज है। फिलहाल पढ़ाई को प्यार करो, मम्मी पापा को प्यार करो, भाई बहन को प्यार करो, बाकी और कुछ नहीं, भगवान को प्यार करो, बाकी नहीं। चलो सब गाइस सब बात करेंगे इसके बाद, देखो यहाँ पर भी इंटरव्यू होता है। देखो इंटरव्यू क्रैक करने के बता देता हूँ, अगर मान लो आपका पोस्ट है रिसर्च ओरिएंटेड, लाइक इसरो का है, डीआरडीओ का है, जो दिए हैं बंदे, जो मेरे स्टूडेंट है, मेरे नोन है, वो बताते हैं, मैं दिया नहीं उनका इंटरव्यू भाई, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पर मैटर करता है आपका नॉलेज। अगर मान लो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, फिर आपका इंग्लिश मैटर करेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ अच्छा, नेक्स्ट भाई साहब क्या बात करेंगे, एमबीए। देखो भाई साहब और एक तरीका है अच्छा सैलरी लेने का, एक तो भाई साहब गेट हो गया या फिर डायरेक्ट पीएससी दो, अच्छा सैलरी है। और एक सैलरी अच्छा लेने का क्या भाई साहब, आप क्या करेंगे, एमबीए करेंगे, कैट का एक प्रिपरेशन करिए। एमबीए में एडमिशन लेने का क्या तरीका है, कैट है, उसके बाद मैट है, उसके बाद जेट है, इंडिया की बात करूँ भाई, किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ राइट। ये एग्जाम दीजिए, एडमिशन लीजिए, टॉप इंस्टीट्यूट से भाई साहब आईआईटीज है, उसके बाकी और भी हैं राइट, जैसे एमडीआई है, एफएमएस है राइट, ये दिल्ली गुड़गांव में है, मुझे पता है इनके बारे में इसलिए। उसके बाद आपका आईआईटीज है, एनआईटीज है, आईएम है राइट। तो आईएम सबसे टॉप बोला जाता है, आईएम से जो पढ़ते हैं, आईएम अहमदाबाद से जो पढ़ते हैं, उनका सैलरी कितना होता है, 25 लाख के आसपास होता है एवरेज, 22-25 लाख एवरेज सैलरी होता है उनका एक साल का डोमेस्टिक इंडिया में। आईआईटी से पढ़ोगे, आईआईटी खड़गपुर मुझे पता है, एनालिसिस किया हुआ है, 10 लाख के आसपास होगा एवरेज, 8-10 लाख एवरेज पैकेज। एनआईटी तिरची 7-8 लाख का एवरेज पैकेज, और बाकी कुछ एनआईटी में पढ़ोगे, अगर प्लेसमेंट चेक लेना फिर एडमिशन लेना अगर लेंगे तो, 2 साल का कोर्स होता है, आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग जितना पैसे लगाओगे उतना पैसा आपका सकता है, इन चीज़ों में ध्यान रखना इस बात को राइट। नेक्स्ट, अगर मान लो एमटेक करते हैं आईआईटी से तो क्या होगा भाई, दोनों ब्रांच में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, समझ लेना। अगर आपको इंटरेस्ट है टीचिंग में या फिर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, देन गो फॉर एमटेक। अदरवाइज अगर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट में जॉब करना है राइट, तो भाई एमटेक करने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है जो मैंने देखा है राइट, क्योंकि प्लेसमेंट इतना अच्छा होता नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरेज प्लेसमेंट होता है 70%, अगर एवरेज निकालूंगा टॉप इंस्टीट्यूट का, टॉप 50 का, इतना भी नहीं होगा, 70% नहीं होगा, 30% क्या करेंगे, थोड़ा समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज़ें मैं भी ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 70% था ठीक है, तो ये चीज़ें कहानी हो गया। नेक्स्ट,
मान लो भाई साहब आपको एडमिशन होता है टॉप इंस्टीट्यूट में बीटेक में फिलहाल, राइट, बीटेक टॉप इंस्टीट्यूट मतलब क्या हो गया, टॉप 20 आईआईटीज, टॉप आईआईटीज और टॉप एनआईटीज। तो भाई साहब आप, मैं बोलूँगा आपको, आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचो कि मेरे को किस में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, इलेक्ट्रिकल में जो आपने इलेक्ट्रिकल में सर्किट वगैरह डिज़ाइन करा होगा प्लस टू में, या फिर जो आपने मैकेनिक्स मतलब आप मेटेरियल वाले पढ़े होंगे, या फिर आप पढ़े होंगे मतलब आप पढ़े होंगे थोड़े से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़े होंगे, राइट, शेयर स्ट्रेस पढ़े होंगे, आप स्ट्रेन पढ़े होंगे उनमें इंटरेस्ट लगता है, रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे आप शायद, राइट, इनमें इंटरेस्ट लगता है, या फिर FM पढ़े होंगे आप, फ्लूइड, राइट, वो पढ़े होंगे अगर उसमें इंटरेस्ट लगता है। देखो क्या चीज़ पढ़ते हुए आपको अच्छा लग रहा था उस टाइम, थोड़ा मन लग रहा था, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ले सकते हो, बिकॉज दोनों ब्रांच प्राइड ब्रांच है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और ऑलरेडी दोनों का डिफरेंस बता दिया आपको मैं। लेकिन अगर आपको इन पता नहीं लग रहा है फिलहाल, कन्फ्यूज है कि मेरे को सब इंटरेस्ट लग रहा है, सब सेम लग रहा है इन केस, और आपको कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है टॉप इंस्टीट्यूट, तो भाई साहब सिविल ले सकते हो, प्लेस में भी चांस रहेगा आपका अच्छा होने का। बिकॉज देखो अगर टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं टॉप 10 की, तो भाई साहब देखो टॉप 5 की बात करेंगे, टॉप 5 इंस्टीट्यूट अगर इंडिया की बात करेंगे हम, एवरेज पैकेज भाई साहब 12-15 लाख है, कोई सही ब्रांच ले लो आप, CSE लोगों को और ज़्यादा पैकेज मिलता है, और आप टॉप 20 की बात करो एवरेज पैकेज 4-5 लाख 6 लाख का है, 4 लाख तो होगा ही मिनिमम का, 6 लाख लगा लो एवरेज पैकेज है 6-7 लाख का। तो भाई साहब डिपेंड करता है भाई कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका सैलरी प्राइवेट में, इंस्टीट्यूट, आपका नॉलेज और कंपनी कैसी है, कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी, कंपनी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, कंपनी के पास ही पैसा नहीं हुआ तो कहाँ सैलरी देगा आपको अच्छा, ये तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो आपको बता रहा हूँ मैं। आई होप यू गॉट सम रियल इनसाइड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। कोई और क्वेरीज होता है आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं अगर अच्छा आपका वीडियो, मेरे को लगा कि टॉपिक अच्छा है वीडियो बनाने के लिए, बना दूंगा वीडियो आपके लिए, सो दैट आप और बाकी सारे बच्चों को हेल्प मिले, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, राइट, थ्रू दिस वीडियोस। और मेरे लाइव सन चाहते हो आप, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पर लाइव आता रहता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछो आंसर दे दूंगा आपको। नेक्स्ट भाई साहब क्या, अगर आप मेरे हमारे वीडियोस के लाइव अपडेट्स चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन प्रेस करें, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फास्ट मोर फास्ट अपडेट। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर वीडियोज फॉर यू गाइज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।